Okay, children. So first of all, I wish you good morning. And now we doing continue English grammar section C. Shh. Speak slowly, beta. Read the following sentences. Underline the meaning words and circle the doing words. Khushi. Speak slowly. Then write them in the boxes on the next page. यहाँ पे क्या बनाए? तो naming in one sentence we have to do naming word and doing word in one sentence. अब इसके अंदर हमें क्या करना है? So naming word के नीचे हमें underline करनी है और doing word के ऊपर हमें सर्कल करना है. वी हैव टू फाइंड आउट नेमिंग वर्ड एंड डूइंग वर्ड इन वन सेंटेंस. ओके, सो लुक एट हियर. फर्स्ट सेंटेंस इज राजा लव्स ग्रेप्स. राजा लव्स ग्रेप्स. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट नेमिंग वर्ड. सो विच इज द नेमिंग वर्ड इन फर्स्ट सेंटेंस? Which word is naming word? Jia, Danvi, bolo. Yes. Yes, we take out section number C. C, C. Yeah, okay. Raj, Shad, which one is naming word in first sentence? Raja, yes, very good. So you have to underline in Raja word. So do underline. Raja word ke niche underline karo. Okay? Done? Okay. Now we have to find out doing word. So which one is doing word? Which one is doing word? No, sad. Grapes नहीं होता है बेटा. Loves. Yes, no. Loves. Okay. देखो, राजा है. Okay. Grapes है. तो grapes also naming word. Because grapes is a fruit's name. Okay? And loves. Loves is a doing word. तो राजा love करता है. लेकिन किसे love करता है? Sorry, राजा को grapes पसंद है. तो love is a doing word. So do circle on a loves. Like this. Look at here. First, Raja words के नीचे आपको underline करनी है और loves words के ऊपर आपको circle करना है. Okay? Now look at the second sentence. Oi, oi. What? क्या बोला है आपको? Ask first. बोलो. तो ही आएगा अंदर, वरना नहीं आएगा. Second sentence, the phone rings loudly. Pucho. Speak me, coming madam. The phone rings loudly. So phone hai. Phone kya hai? Things. Phone kya hai? Things. So phone is a naming word. So do underline on in a phone. Okay? And loudly. तो फोन जोर से बजता है. और रिंग, रिंग्स ये पूछा आपने. रिंग्स इज अ डूइंग वर्ड. फोन की
घंटी बजती है जोर से, ऐसे मतलब फोन की घंटी जोर से बजती है। सो फोन इज अ नेमिंग वर्ड। रिंग्स मतलब घंटी, और लाउडली मतलब जोर से। सो रिंग्स है वो क्या है? डूइंग वर्ड। समझ में आया? लाउडली क्या है? जोर से, लेकिन बजती है रिंग। रिंग मतलब रिंग जो बजती है वो क्या है? डूइंग वर्ड। सो डू सर्कल ऑन अ रिंग्स वर्ड लाइक दिस। फोन के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है बिकॉज इट इज नेमिंग वर्ड, एंड रिंग्स के ऊपर यू हैव टू सर्कल ऑन इट बिकॉज इट इज डूइंग वर्ड। ओके जिया, आप कर रहे हो? ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज नंबर 3। रेड राइडिंग हुड वियर्स अ रेड कोट। रेड राइडिंग हुड वियर्स अ रेड कोट। यहाँ पे देखो, रेड, रेड क्या है? कलर, कलर नेम। ओके, और वो क्या है? थीम। सो रेड कलर इज अ नेमिंग वर्ड। सो सर्कल, सॉरी, अंडरलाइन इन अ नेमिंग वर्ड रेड। सो डू अंडरलाइन। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डूइंग वर्ड। सो विच वन इज डूइंग वर्ड इन दिस सेंटेंस? देखो, हुड वियर्स रेड कोट। सो रेड कोट है वो क्या है? थिंग्स, कोट, हम जो कोट पहनते हैं ना वो है, बराबर। हुड, हुड मतलब ये जो हुडी वाला कोट होता है वो पूरा, ऐसे आप कैप पहनते हो ना वैसे। तो हुड वियर्स अ रेड कोट, ये पूरा नेम है। एंड डूइंग वर्ड इज राइडिंग। राइडिंग मतलब सवारी। इन शॉर्ट द लुक एट हियर इन दिस पिक्चर वन गर्ल्स गिवन। सो इस सेंटेंस में ये कहते हैं कि ये जो लड़की है वो रेड हुडी कोट पहन के राइडिंग पे जाती है। ऐसा, राइडिंग मतलब सवारी। आप सवारी किसी की भी हो सकती है ना, जैसे कि आप हॉर्स राइडिंग करो, फिर एलिफेंट राइडिंग करो, फिर किसी वाटर राइडिंग करो। ओके, जब गार्डन में जाते हो तो आप खेलते हो ना, चकदोर में बैठते हो, वो सब क्या होता है? राइडिंग मतलब किसी की सवारी। ओके, सो हुड वियर्स अ रेड कोट मतलब टोपी वाली पूरा कोट पहन के लड़की खड़ी है। राइडिंग मतलब सवारी। सो वी हैव टू सर्कल ऑन अ राइडिंग वर्ड बिकॉज इट इज डूइंग वर्ड। सो डू सर्कल ऑन अ राइडिंग वर्ड। ओके, नाउ लुक एट द नंबर 4। द टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली। द टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली। सो टॉर्टोइज क्या है? एनिमल्स नेम। ओके, सो वी हैव टू अंडरलाइन अंडर टॉर्टोइज वर्ड्स बिकॉज टॉर्टोइज इज अ नेमिंग वर्ड। सो डू अंडरलाइन। Tortoise words के नीचे underline करो। Now we have to find out doing word।
So which one is doing what? Talk. Sorry. Dog है. Sorry. Tortoise है. Tortoise क्या कर रहा है? What tortoise doing? What tortoise doing? Walking. Walk. बराबर. Tortoise slowly चल रहा है. Walk means चलना. So doing word कौन सा है? Tortoise है और slowly मतलब धीरे. लेकिन doing word क्या है? तो चलना. So do circle on a walk because walks is a doing word. Okay. Now look at the next number 5. Mother cooks in the kitchen. Mother cooks in the kitchen. Now, mother. Mother means mummy. Okay. So which one is naming word? Mummy. Mother. So you have to underline under mother word because mother is a naming word. Okay. Now, which one is doing word? देखो, mama cooks मतलब खाना बनाना, in the kitchen मतलब रसोई घर में. Mama रसोई घर में खाना बनाती है. तो क्या mama है? रसोई घर है. तो करती क्या है मामा घर रसोई घर के अंदर मतलब किचन में मामा करती क्या है? तो खाना बनाती है. मामा cooks in the kitchen. So which one is doing word? Cooks. So we have to do circle on a cooks. So do circle on a cooks. Okay. Now what we have to do? यहाँ देखो. Look at the page number 40. यहाँ पे सी सेक्शन है जो हेडिंग आपको दिया है उसमें क्या लिखा है? Read the following sentences. आपको सेंटेंस रीड करने हैं. Underline the naming words and circle the doing word. We already done this. Now what we have to do next? Then write them in the boxes on the next page. अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है naming words and doing words. तो हमने जो underline naming words के नीचे किया है वो words हमें naming word में लिखना है. And circle on a doing word, that words we have to write in a doing word. So let's start to do. Wait a minute. Yes, Druhi, what happened? मैम जो तड़का आपने कराया ना वो उसमें अंदर मैम 1, 2, 3 बाकी है. हमारी मिक्सी ओपन नहीं हो रही थी और अभी स्टार्ट हुआ क्लास हमारा. तो 1, 3 बाकी है. हाँ वो अभी बाद में ये फिनिश कर ले पहले वरना फिर टाइम चला जाएगा. ओके मैम बाकी रह जाएगा. हाँ मैं फोटो सेंड कर दूंगी. Okay. Now, section C you have to done. Section C you done. Section C हमने जो किया ना अभी ये naming word और doing word वो आपने किया. ध्रुही मैं आपको पूछ रही हूँ बेटा. सेक्शन सी अभी हमने जो किया ना ये सेंटेंसेस वो तो किया आपने कि वो भी नहीं किया? ओके. नाउ लुक एट हियर फर्स्ट सेंटेंस. व्हिच वन इज नेमिंग वर्ड? राजा. ओके सो वी हैव टू राइट हियर राजा. Now, in first sentence,
Which one is doing what? Loves. So we have to write here loves. Okay. Now look at the second sentence. The phone rings loudly. So phone is a naming word. So we have to write here phone. Okay. And which one is doing what? So rings. So we have to write here rings. Okay. Because phone is a naming word and rings is a doing word. Now look at the third sentence. Red Riding Hood wears a red coat. In this sentence, which one is naming word? Red. Because red is a color. Thing. R-E-D. Red. Okay? And riding. Riding is a doing word. So we have to write here riding word. Now look at the number 4. The tortoise walks slowly. The tortoise walks slowly. So tortoise is a naming word. Okay? Because it is animal. So we have to write here tortoise. Okay, now look at the next part. Mother cooks in the kitchen. So mother is a naming word. So we have to write here M-O-T-H-E-R. Mother. Okay, and number 5, cooks. Cooks is a doing word. यहाँ पे जो नेमिंग वर्ड है और डूइंग वर्ड है, तो सेंटेंस में आपको जो नेमिंग वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और जो डूइंग वर्ड है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है. वेट अ मिनट, आई शो यू आपको क्या करना है. लुक एट हियर, ऐसे करना है आपको. वेयर आर यू ध्रुवी, चलिए वापस. ओके, चलो. नाउ आर यू डन चिल्ड्रन? ये आपको देख के ही लिखना है बेटा. हमने जो सेंटेंस में किया है ना, उसमें से देख के लिख देना. ओके, चलो. नाउ सेक्शन डी, रीड एंड फाइंड आउट हूम एम आई. ओके, फर्स्ट
इज आई एम ग्रीन इन कलर। ए बच्चा लोग क्या कर रहे हो? ब्रश दीवांस आर यू डन बेटा? बाकी है? अच्छा लिसन बेटा, जो देखो हमने ये सर्कल किया है ना, उसमें से आप कर लेना। देखो ऐसे ये किया है ना, तो जो अंडरलाइन की है वो नेमिंग वर्ड में लिखना है, और जो सर्कल किया है वो डूइंग वर्ड में लिखना है। ओके, अब हम ये फिनिश कर दे, फिर तीन के लिए बाकी रह जाएगा, आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा ना। तो ओके, फिर आपको लिखना, मैं बोलती आप लिख, टाइम दूंगी मैं फिर से, अभी आप लिखना स्टॉप कर दो। एंड लुक एट सेक्शन डी। फर्स्ट इज आई एम ग्रीन इन कलर, आई लाइक टू ईट अ चिली एवरी डे, यू कॉल मी मिट्टू, आई एम अ डैश, गेस व्हाट इज दिस? पैरोट। ओके, सो यू हैव टू राइट इन ब्लैक पैरोट, पी ए डबल आर ओ टी पैरो। And you have to write this all section in your English notebook, otherwise English grammar notebook, okay, as a homework. Section D you no need to write, okay beta? Section D, ये जो section D है ये आपको homework में लिखने की ज़रूरत नहीं है,
यू नो नीड टू राइट इन होमवर्क सेक्शन डी, ओके नहीं लिखना है, लेकिन सेक्शन सी तक आपको होमवर्क में लिखना है, दिस थ्री एंड दिस मच यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एज अ होमवर्क, ओके. सेक्शन डी यू नो नीड टू राइट इन योर होमवर्क नोटबुक, बट सेक्शन ए बी और सी यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एज अ होमवर्क, ओके.